से, उत्साह से, प्रेम से जैसे भर गया है। हर वक्त देखोगे दिल की तारों पे एक ही नाम बजता रहता है। संत कोशिश करते हैं भगवान ध्यान में आए, और यहाँ बिना कोशिश के ही जैसे भगवान हम लोगों को ध्यान में रख के बैठे हों। कितनी बड़ी कृपा हो गई है, इसी को कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ 100 कदम भगवान आगे बढ़ के आता है। तुम थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करो, भगवान खुद तुम्हारा बल बन जाता है। तुम थोड़ा सा ही प्रेम करो, वो तुम्हारे हृदय में प्रेम आह्लाद की नदियाँ बहा देता है, जैसे पूरा समंदर उठा देता है अंदर। यही साकार की कृपा होती है। शास्त्रों में जो लिखा था, सच में हमने कभी सोचा नहीं था वो हमारे जीवन में घटेगा। सोचते थे कल्पना होगी, किसी भाग्यशाली के साथ ऐसा होगा, लेकिन आज अपने जीवन में देख के कितना आनंद होता है कि सच में वही सब हमारे जीवन में भी घट रहा है। हम सब भी वही अनुभव कर पा रहे हैं, वही गोपियों का प्यार, वही मीरा का भाव, सब कुछ तो वही अनुभव में आ रहा है। सोचते थे ना कभी ऐसी घड़ी आएगी भगवान विसरे ही ना। 24 घंटे चिंतन शुरू शुरू में गए तो भगवान बोलते थे घड़ी क विसरू राम को ब्रह्म त्याम हुए होए। तो हम लोग बोलते थे भगवान कभी हम इस दोष से छूट भी सकेंगे, उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं भूल तो है ही। बहुत याद करते भी, बहुत सिमरन करते भी, बहुत आप में मन रखते हुए भी, पर फिर भी लगता है छूटता है। पर वो हंस देते थे सब होगा सब होगा, और आज वही सब फील हो रहा है ना, वही होता है। हम कुछ नहीं करते और सब कुछ होता है। उसमें लिखा पड़ा था ज्ञानी भक्त का लक्षण। अब ज्ञानी भक्त के लक्षण गीता में लिख दिए। अब हम सोच सकते थे हम ज्ञानी भक्त हो जाएंगे, सारे लक्षण पढ़ पढ़ के तो लगता था हम नहीं हो पाएंगे ऐसे। पर गुरु ने कितनी सरल बात बता दी, जब तुम्हें ज्ञान का निश्चय है कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, साथ साथ कृतज्ञता है गुरु के लिए, जीवन में भक्ति है, प्रेम है, गुरु की कृपा का एहसास है, बस तुम हो गए ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी भक्त कैसे हुआ जाता है? और जितने लक्षण गीता में लिखे भी हुए हैं, तुम पढ़ के जरा मिलान कर लो, तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें अनुभव में आ रही होंगी ज़रूर। ये हो ही नहीं सकता कि किसी को गुरु की शरण मिले और उसको कहीं से कोई कमी रह जाए। ना तो ज्ञान से कोई कमी है, ना भक्ति में कोई कमी है। ज्ञान में कमी इसलिए नहीं है, रोज़ गुरु सामने बिठा के ठोक ठोक के ज्ञान पक्का करा देता है। भक्ति में कमी इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो प्यार करने वाले भी नहीं हैं। गुरु ने प्यार किया है तो हम उसके प्यार में डूब गए जैसे। तो ज्ञानी भक्त तो अपने आप हो गए ना, कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों से मत खेला करो, भाव समझो खाली। भगवान ने अगर अर्जुन को बता दिया ज्ञानी भक्त की लक्षणा, भाई ज्ञानी भक्त ऐसा होता है, सर्वारंभों का त्यागी, ऐसा यही सब लिखा पड़ा है ना, सर्वारंभों का त्यागी माना, अपने आप संकल्प नहीं करता है, जो कार्य सामने आ जाए, जो सेवा आ जाए कर देता है। अब आपके अंदर भगवान के सिवाय कौन सा संकल्प है? सर्वारंभों के त्यागी हो गए अपने आप? कोई माया का संकल्प आता हो, किसी माया वाले का संकल्प आता हो, कोई काम करने का संकल्प आता हो, कोई माया में वृत्ति जाती हो, कुछ भी तो नहीं। भगवान से संबंध होते ही ना लक्षणा सारी अपने आप आ जाती है। अब वासुदेव जी टोकरे में कृष्ण जी को डाल के ले आए, सारे जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई, नदी नीची हो गई। ब्रह्म संबंध होते ही क्या हुआ है? ब्रह्म संबंध हुआ है, सारी लक्षणा महसूस कर ली। वापसी आए माया को उठा के, वो माया थी ना लड़की जो पैदा हुई थी नंद जी के यहाँ, वापसी आए माया को उठा के, भारी भी बड़ी लगे,
टेंशन भी आ गई, प्रफुल्लता भी चली गई, और वापस पहुंचे तो पहरेदार भी जग गए, हथकड़ियां भी पड़ गईं, ताले भी लग गए। सोचने लगे ये क्या हुआ, कुछ नहीं, ब्रह्मसन बंद हुआ तो आनंद हो गया, निर्बंधन हो गया, निर्विकार हो गया, निर्वासनिक हो गया। जैसे ही माया से संबंध हुआ, माया सिर पे बिठाई, बंधन में आ गए। तो एक संबंध जो है ना हमारा भगवान से निरंतर, ये सारे लक्षणों से युक्त अपने आप ही कर देता है। हो सकता है आपने किसी वक्त पढ़ा हो तो आपको लगा हो शायद वो बड़ी गहरी बात है, मेरे जीवन में नहीं है। आज दोबारा खोल के देखो गीता, आज पढ़ना जाके, ज्ञानी भक्त का कौन सा लक्षण है जो आपके जीवन में नहीं उतरा हुआ है। सतगुरु से संबंध होते ही आपका काम बन जाता है। कपड़ा तो सफ़ेद है, मैल उतारने वाला कोई चाहिए। हम कपड़े में सफ़ेदी डालते नहीं हैं, हम कपड़े की मैल निकालते हैं। इसी तरह से गुरु भी क्या करता है, हमारा जीव भाव का आवरण मिटाता है। बाकी तो सब कुछ पहले से ही है जीवन में, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि वो बड़े गहरे लक्षण हैं, बड़े ऊंचे लक्षण हैं, शायद हमारे जीवन में नहीं है। सब कुछ है जीवन में, खोल के देखो, पढ़ो जाके, पता चलेगा। गुरु के मिलने से पहले लगता था वो औखी सीढ़ी है, गुरु के मिलते ही लगा सबसे सौखी सीढ़ी है, और कब चढ़ा दिया गुरु ने पता ही तो नहीं चलता। दादाजी क्यों कहते हैं, मैंने तुमसे भी छिपा के तुम्हारे भीतर ये ज्ञान, ये विश्वास, ये प्रेम, ये प्रतीति सब डाल दिया है, तुमसे छिपा के डाल दिया। एक बार गठरी खोल के देखो तो सही, आंख खोल देख तेरी गठरी में लाल है, नहीं जानता तू तभी तो कंगाल है। अरे मोती भरे हैं बेमिसाल, गफलत को छोड़ भामरे, बेमिसाल मोती भगवान ने तुम्हारी झोली में डाल दिए हैं, खाली तुम गफलत छोड़ो, सच का संग करो और चलते चलो। भगवान अपने किसी भी भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता है, बशर्ते भाव हो, श्रद्धा हो, ज्ञान का निश्चय करने की कोशिश करें। जो हमारा काम है हम करते चलें, बाकी भगवान अपना काम कर ही रहा है। थोड़ा सा एक मन मना भाव होके बैठते हैं, ज्ञान अपने आप अंदर जाता है। एक कदम प्रेम का बढ़ाते हैं, भगवान कितना बलिहार जाता है, कितना प्यार करता है, ये सब तो अनुभव है ना। और हम आपको ये नहीं बोलते कि आप शास्त्रों से जाके मिलान करो, ज्ञानी भक्त के लक्षण जो गीता में लिखे आप उससे मिलान करो। हम कहते हैं अपने जीवन से बताओ ज्ञानी भक्त कैसा होता है, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है। तुम्हारे पास भी तो अनुभव है, तुम्हारे पास भी तो निश्चय है, अपनी बात बताओ। बल्कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वहाँ थ्योरी है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है कि ज्ञान का निश्चय होते हुए भी अंदर से नम्रता, निमाणापन, कृतज्ञता, गुरु के प्रेम में रहना, ये ज्ञानी भक्त की निशानी हो गई सारी की सारी। ज्ञान से व्यवहार संभाला हुआ है, भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, परमार्थ उसने संभाला हुआ है, ज्ञानी भक्त हो गए। और ज्ञानी भक्त होने के लिए क्या करना है, लक्षण तो सब आ जाते हैं। अब गोपियों के पास नहीं लक्षण आ गई अपने आप, सारी सब लक्षण आ गए। ज्ञान जो है वो खुनकी लाता है, प्रेम साथ नम्रता ले आता है, बैलेंस हो गया। यही तो बैलेंस है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, वहां क्या हो रहा है, स्त्रियां सारी अंदर हैं, पुरुष बाहर हैं, ऐसे ही बैठते थे ना पहले। आजकल हो गया बैंकेट हो गए सब इकट्ठे, पहले पुरुष आंगन में पड़े रहते थे सारे, औरतें सारी अंदर। तो क्या प्रतीक है ये, अहंकार भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, प्रेम भगवान के इर्द गिर्द है। तो अगर हम कोरे ज्ञानी होते, अहंकार होता, बाहर रहते,
कोरे भक्त होते केवल अंदर रहते, पर गुरु ने क्या किया, बैलेंस कर दिया, ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय कर दिया। ऐसी बात नहीं है आपसे कोई ज्ञान का प्रश्न करे समाधान नहीं है, ज्ञान से अपने जीवन को बनाया हुआ नहीं है, वो भी है, पर डूबे रहते हो भगवान के प्रेम में, हो गए ज्ञानी भक्त। और क्या करना है, फुलका बनाते हो, कहते हो आज नमक मिर्च की रोटी बना के खाते हैं, नमक भी डल गया मिर्च भी डल गई, फिर तुमने उसको सारा पैक कर दिया, फिर बेल दिया, ना नमक दिख रहा है ना मिर्च दिख रही है, खाने में टेस्ट दोनों का आ रहा, कोई दूर से देखेगा थाली में भाई फुलका रखा है, आप खा रहे हो आपको पता है हम तो नमक मिर्च की रोटी खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, बाहर से तो वही के वही रहोगे, कोई परिवर्तन तो आना नहीं बाहर से, लेकिन अंदर आप देखते हो ज्ञान की वजह से आप कभी इम्बैलेंस नहीं होते, ज्ञान के निश्चय में कूटस्थ हो। और रही बात भक्ति की, तो भक्ति प्रेम तो वैसे ही है, सो क्यों विसरे जो विखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, जिसने जन्म जन्म का टूटा संबंध जोड़ा परमात्मा से और मुझे विकारों के विष से निकाला, वो तो वैसे ही नहीं भूल सकता, हरदम याद बनी रहती है। आज ज्ञान का भी एक अनुभव हो ना तो याद पहले गुरु की आती है, शुक्राने उसके निकलते हैं, तो ज्ञान भी साथ साथ है, भक्ति भी साथ साथ है, दोनों काम चल रहे हैं, अलग लक्षण थोड़ी है कोई। और वैसे अगर एक बात याद रखना, हर ज्ञानी का सुसमेध लक्षण होता है, कोई लिखे हुए लक्षणों से किसी को मैच नहीं किया जाता है, हर ब्रह्म ज्ञानी की लक्षणा अपनी, निश्चय एक हो सकता है, लक्षणा अलग होती है सबकी, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं किसी के भी लक्षण नहीं मिला सकते आप, जैसे हम लोग एक लिस्ट बना दें भी ये लक्षण हैं ज्ञानी के, साधकों को जिज्ञासुओं को तौला जाता है, ज्ञानी के लक्षण नहीं तौले जाते, ज्ञानी की अपनी मौज अपनी प्रकृति, वो उस अनुसार चलता रहता है, लेकिन हम उसके जीवन में पीछे जो ज्ञान बेस है वो छलकता हुआ महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई लक्षणा नहीं होती। अगर आप आत्माकार हो, आप ज्ञानी भक्त हो, आपकी कोई लक्षणा हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई आप बोलो ज्ञानी शांत चित्त योगी होना चाहिए, तो जब कृष्ण जी को कंस को मारना है शांत चित्त तो नजर नहीं आ रहे, जब महाभारत के युद्ध में पहिया उठा के जा रहे हैं चेहरे पे बड़ा रौब है, एक लक्षण सेम तो नहीं हो सकता ना किसी का भी, जैसा सामने आता है ज्ञानी से वैसा कार्य होता रहता है, लेकिन कोई तौल नहीं सकता ऐसा करे तो ज्ञानी ऐसा नहीं करे तो ज्ञानी। और आपको भी एक स्टेज तक भले मिलान करने का मन करे करो, पर सच्चाई फिर भी यही है कि आपका निश्चय आपको उतारता है, आपकी भक्ति आपको निराभिमान रखती है, प्रेम में रस आता है आपको, लेकिन बाहर से जैसा सामने आएगा, जिस प्रकृति में ज्ञानी बैठा है जैसा कार्य उसके सामने आएगा वो वैसा ही करेगा, कोई किसी से मिलान नहीं है। राम तीर्थ जंगलों में चले गए, रामकृष्ण कभी नहीं गए, राम तीर्थ जंगलों में घूमे ना, रामकृष्ण परमहंस तो बिल्कुल नहीं गए, राम तीर्थ सीधे ज्ञान के अभ्यास से चले, त्याग किया पहले, रामकृष्ण परमहंस भक्ति से चले, लेकिन दोनों में से कौन कम कौन ज्यादा, कोई कम या कोई ज्यादा होता ही नहीं है, सब अपने अपने निश्चय से मुक्त हैं, सब अपने अपने निश्चय में खड़े हैं, सब अंदर अपने अपने में परिपूर्ण है, किसी के लिए नहीं कह सकते ये ऐसा और ये ऐसा। तो जरूरी नहीं कि शास्त्रों में जो लिखा है, अब एक समय किसी ने कुछ अनुभव किया उसने लिख दिया, योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं लिखी ज्ञान की, अब अक्सर लोग मिलान करते रहते हैं,
ये कौन सी भूमिका वाला, ये कौन सी, शुभ इच्छा से शुरू होता है वो, शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, संगासक्ति, ऐसे करके सात लक्षण आए। अक्सर लोग तौलते रहते हैं, पर भगवान बोलते थे कि ये भी तो दे तक ना, त्रया में भी आ गया, पर फिर ध्यान दो तो आत्मा त्रया से भी अतीत। आत्माकार का पद क्या है? त्रयातीत, त्रया को भी जानने वाला। इसका मतलब ये लक्षणा किसकी हुई? देह मन बुद्धि इनकी लक्षणा हो गई ना, मेरी लक्षणा तो नहीं है। आप अपनी लक्षणा पहचानो, फिर उलझो मत शास्त्रों की बातों में, किसी में, बात को समझो। आपका जो स्वरूप है आप उसकी लक्षणा देखो और निश्चय करो लक्षणा अपने आप प्रकट है। लक्षणा प्रकट करने से निश्चय नहीं आएगा, निश्चय करने से लक्षण प्रकट होगा। उस चीज का अनुभव करो अंदर। बाकी बाहर हम पढ़ने जाएं, अब कोश आते हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। फिर हमने एक बार भगवान से बोला, मतलब हम आनंदमय? बोले नहीं, केवल आनंद, आनंदमय भी नहीं। जहां बोले मय जुड़ गया, कुछ और शब्द जुड़ गया, फिर उपाधि बन गई वो, केवल आनंद। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा। देखने वाला देखेगा मैं आनंदमय, मैं आनंद स्वरूप, लेकिन मैं केवल आनंद। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा, है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान इतना ऊंचा है, ये सब शास्त्रों की उपाधियों को भी पीछे छोड़ता है। तभी मैंने उस दिन भी बोला था, टीचर्स डे सबने मनाया, पर एक्चुअल टीचर कौन है जो बुक्स के बियॉन्ड पढ़ा सके? बुक्स तो सारे पढ़ा लेंगे, बुक्स पढ़ाना तो टीचर्स डे वाले दिन किताबें मिल जाती हैं, 11th class 12th class सारे बच्चे पढ़ाए आते हैं। हमारे स्कूल में तो रूल था कि पढ़ाना पड़ता था, लेक्चर लेना पड़ता था प्रॉपर। जब हमको टीचर्स डे पे ड्यूटीज मिली, क्लासेस मिली, हमको सारे लेक्चर तैयार करके जाने पड़े। अगर चार क्लासेस मिली तो चारों के लेक्चर तैयार करके जाओ। फिर पढ़ा भी आए, पर क्या पढ़ाया? किताबों में से पॉइंट्स छांट छांट के जो पढ़ा हुआ था, और जो दिखा बच्चों से किताबें मांगी, एक दिन पहले नोट्स बनाए, किताबों में से पढ़ा के आए ना, इसीलिए टीचर नहीं हो गए। टीचर कौन है? जिसको बुक का सहारा ना लेना पड़े, जो बुक्स के बियॉन्ड बात करे। बुक्स के बियॉन्ड बात करने से भी दो बातें, वैथरी वाणी ना बोले। कई टाइम पास करते हैं, चलो मीठी मीठी बातें कर दी, आज सभागा दिन, आज फलाना दिन, तुम आशीष लेके जाओ, फलान करके जाओ, ये नौटंकी वाला ज्ञान नहीं। बुक्स के बियॉन्ड जाने का मतलब है अनुभव का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, उसको बोलते हैं अकथ कहानी। अकथ कहानी वो है जो शास्त्रों से पर जाके बात की जाती है। जब तक शास्त्रों तक भी टिके हैं, ज्ञान बुद्धि का है भी। जब परे चले जाते हैं, बुद्धि के भी बियॉन्ड चले गए, शास्त्रों के भी बियॉन्ड चले गए, निश्चय तो वो है। इसीलिए गुरु भी उसको कहा जाता है जो शास्त्रों से पर की बात करता है। सांवरिया ले चल परली पार, उरली पार तो बहुत कुछ है, शास्त्र है, बुद्धि है, मन है, किताबें हैं, कोई कमी थोड़ा है। लेकिन ले चल परली पार, परली पार माना शास्त्रों के पार, बुद्धि के पार, जीव भाव से पार, उस पार जाके तत्व है। तो यहां तक भी नहीं टिक जाना है कि बस मेरा काम बन गया, मैंने इस शास्त्र से मिला लिया, उससे मिला लिया। नहीं, मेरा अनुभव शास्त्रों से पर जाना चाहिए। और जो अनुभव की चोट होती है ना, वो हमेशा बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है। विवेकानंद की बात बताई ना, उसको खाने बैठा तो वो इंडियन समझ के हेट कर रहा था, कितने गलत वर्ड्स बोल रहा था, पर विवेकानंद चिड़े नहीं, उठ के चले गए, बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं, बैठा आराम से, मैं परे हो जाता हूं। अनुभव की बात हमेशा परे की होगी।
इतने ही लक्षण नहीं है? गीता में ज्ञानी भक्त के जितने लक्षण लिखे हैं, क्या उतने ही लक्षण है ज्ञानी भक्त के? आपने गुरु को देख के क्या फील किया? सबसे पहली बात अपने से पूछना, अगर आप ज्ञानी भक्त के लक्षण टैली करो, आ गया ज्ञानी का स्वरूप पूरा? गुरु जी से मिले हो, देखा है, हमारे पास भी बैठते हो, इतना देखते ही हो, बताओ क्या जो ज्ञानी भक्त के लक्षण उसमें लिखे हैं, ज्ञानी का पूरा खाका खींच लिया उसने? नहीं खींचा। अपना भी अनुभव देखना, इसका मतलब जो लिखा है वो बहुत थोड़ा है, जो लिखा है वो मात्र इशारा है, एक शुरुआत है, एक गाइडेंस कह सकते हो, शुरुआती गाइडेंस है, लेकिन अनुभव कहीं और खड़ा होता है जाके। अनुभव यहां नहीं खड़ा होता, अनुभव कहीं और खड़ा होता है जाके। अगर अनुभव इन चार शब्दों में खड़ा हो जाता, बड़ा आसान था ज्ञानी होना। अगर यही कसौटी होती, बड़ा आसान था ज्ञानी होना। ना ये कसौटी है, ना इतने में खाका खिंचता है ज्ञानी का, ये सिर्फ एक शुरुआत है, आपको एक गाइडेंस है, एक इशारा है कि हाँ तुम इस तरह से ज्ञान का निश्चय कर सकते हो। पर ज्ञानी भक्त तो बहुत फर्क होता है। अब हमने गुरु को देखा, जब वो सत्संग में बैठते थे ऐसे लगता था इनसे ऊंचा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, विश्वरूप दर्शन कर लो। पर कमरे में जब हम गीता भगवान की बात सुनते थे ना कभी, और उनकी आंखें भरती थी, पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ था ये वही है, ये इतने ऊंचे होके और इनके अंदर इतनी निम्रता, इतना भक्ति, इतना गुरु के लिए भाव। बड़ी हैरानी लगी थी पहली बार जब ये घटना हुई थी हमारे सामने, बहुत हैरानी लगी थी। तो समझ में आया, आप पार ना ज्ञानी का पा सकते हो, ना भक्त का पा सकते हो, और जहां ये दो का समावेश हो जाए। अब ये समावेश क्या है? गीता में इसको बोल दिया ज्ञानी भक्त। भगवान शिव की मुद्रा दिखाते हैं अर्धनारीश्वर, राधा कृष्ण की छवि दिखाते हैं आधे कृष्ण आधी राधा, या कभी परस्पर पलटे हुए, यही है, यही स्वरूप है दो ज्ञानी के। एक तरफ ज्ञान वाली खुनकी शिव रूप, प्रलयकारी भी कल्याणकारी भी, आधा भक्ति नम्रता प्रेम निमाणापन जैसे स्त्री वाला हृदय, ये है ज्ञानी भक्त की लक्षण। अगर संपूर्ण लक्षण देखो तो यहां आके टिकते हैं। जहां ज्ञान के किसी निश्चय में भी कोई अधूरापन नहीं, और प्रेमा भक्ति में भी कोई अधूरापन नहीं। शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे, कैसे? हाफ हाफ थे, हाफ हाफ नहीं थे, शाम के बिना तुम आधे। बचपन में वो पढ़ते थे ना, वो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुति हुई। बचपन में व्याख्या के लिए आते थे, याद होगा कि नहीं, व्याख्या होती थी हम लोगों की हिंदी की, 8th-9th क्लास में थी शायद। तो भाई जातन की छाई पड़े श्याम हरित, उसके दो मीनिंग निकलते थे भाई, राधा की छाई पड़ने से श्याम हरे भरे हो जाते हैं, और शाम की छाई पड़ने से राधा हरी भरी हो जाती है, ऐसे करके अर्थ करते थे। तो है क्या उसमें? शाम के बिना तुम आदि, मतलब भक्ति को भी ज्ञान का सहारा तो चाहिए। अगर भक्ति में ज्ञान की निष्ठा नहीं होवे, समझो आज आपके पास समाधान ना हो, कोरी भक्ति हो, तो संशय उत्पन्न होने लगते हैं, प्रेम टूटने लगता है, मन किसी की सुन सकता है, शंका में आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ज्ञान की समाधानता प्रेम भक्ति निभाने के लिए बड़ी अच्छी है। जब समाधानता रहती है, प्रेम निरंतर बढ़ता है, और बल्कि आप एक एक लीला से और जुड़ते हो, और आनंद में आते हो, और मौज करते हो, यही होता है ना। ये लक्षणा हो गई एक। उधर से तुम्हारे बिना शाम आधे, शाम आधे क्यों? ज्ञान कोरा क्या करे, सूखा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, भक्ति चाहिए। तो जब ज्ञान और भक्ति मिल गए,
तो लोगों ने कहीं शिव पार्वती कह दिया, कहीं राधा कृष्ण कह दिया, नाम दे दिए। ये असल बात क्या है? ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ज्ञानी की पूर्णता इसी में, जब उसके पास ज्ञान का निश्चय भी है, साथ ही साथ प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति भी है, इसी में उसकी पूर्णता छलकती है। ज्ञान और भक्ति जहां दोनों हो जाते हैं, एक पकड़ेगा एक छोड़ेगा तो काम नहीं बनेगा, दोनों मिल जाते हैं। ऐसे देखो तो ज्ञान के निश्चय में भी कोई कमी नहीं। दादाजी को देखो, आया माँ भगवान जय में नाये शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम, ऐसी खुन की मुखे समझो ना शरीर साखी पाणे आया, ये निश्चय। और जब सतगुरु की बात करते थे तो फिर गुरु के लिए भी इतना सुंदर भजन लिखा, असान जो एहड़ो आए भगवान ठेपे ठाए आप समान। अरे मेरे को तो ऐसे भगवान मिले हैं जिन्होंने आप समान कर दिया। महिमा करते थे गुरु की तो दादा भीग जाते थे, और कभी ज्ञान की बात करते थे तो बड़े बड़े बैरिस्टर फेल हो जाए उनके आगे। तो लक्षणा तो कहां जाके टिकी? अपने जीवन में और निश्चय में जाके टिकी। अगर हम दादा का स्वरूप समझना चाहें, चार ज्ञानी भक्त के लिखे हुए लक्षणों से समझ लेंगे, बस दादाजी ऐसे ही थे। दादाजी तो बहुत ऊंचे थे। एक गीता तो क्या, दादाजी का जीवन तो हजारों गीता से ऊपर चला गया। एक शास्त्र ब्रह्मज्ञानी को पकड़ लेगा। क्यों गुरु नानक देव को लिखना पड़ा नानक गुरु पूरे नमस्कार? शास्त्र नेति करते हैं, पूरे गुरु को नमस्कार करते हैं बस। जहां ज्ञानी की बात आ जाएगी, पूर्ण ज्ञानी की, वहां क्या होता है, शास्त्र भी नमस्कार करके पीछे हो जाते हैं। जहां पूर्ण ज्ञानी की बात आ जाएगी वहां हिम्मत ही नहीं किसी की, क्योंकि गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों। असल में नाद वेद श्रुतियां, ये पहले गुरु हुआ या पहले शास्त्र हुआ आप बताओ? पहले ज्ञानी हुआ पहले शास्त्र हुआ? पहले ज्ञानी हुआ। ज्ञानी के मुख से जो निकला, ज्ञानी का आचरण जो हुआ, वो शास्त्र बन गया। हुआ तो ऐसा ही ना। तो इसका मतलब महिमा किसकी हुई? ज्ञानी की हुई। जो ज्ञानी का जीवन है उसमें से जितनी मर्जी लक्षणा लेते जाओ, तो अनंत अनंत गुणों का भंडार है। आप कभी फील करो, ज्ञानी के पास छोटा बच्चा भी आता है, 80-90 साल का बुढ़ा भी आता है, आखिर सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। यानी वो इतना परिपूर्ण है, संपूर्ण है, इतना संपन्न है अपने आप में। ज्ञान वाले ज्ञान ले जा रहे हैं, भक्ति वाले भक्ति ले जा रहे हैं, प्रेम वाले प्रेम ले जा रहे हैं, कर्म वाले कर, कोई कह दे खाली जा रहा हो, सारे अपनी अपनी समाधानता लिए जा रहे हैं। और उसके प्यार की खुशबू सबके जीवन में। अब शास्त्र, अगर एक शास्त्र कुछ बोलता है दूसरा नहीं बोलना आता उसको। अगर रामायण मर्यादा की कहानी सुनाती है तो भागवत मर्यादा की बात बिल्कुल नहीं करती, वहां तो गोपियां रात को घर छोड़ के चल दी हैं। शास्त्र एक बात कर सकता है, दूसरी नहीं आती उसको करनी। अष्टावक्र बिल्कुल बोलता है तो हाईएस्ट स्केल पे कोरा ज्ञान, नीचे की बात ही नहीं करता हो। कई शास्त्र नगन ज्ञान बोलते हैं, तो मान लो बोला ज्ञान, लेकिन ज्ञानी जैसा ज्ञानी तुम बैठ जाओ, मर्यादा के समय मर्यादा भी बोलता है, मर्यादा से ऊंचा उठाना हो वो भी बोलता है, नीति शास्त्र भी बोलता है, ये नीति है ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, व्यवहार का ज्ञान भी सारा बोल लेता है, प्रेम की बात भी कर लेता है। आप बताओ ऐसा शास्त्र कोई बना आज तक? ऐसा संपूर्ण शास्त्र कोई बना हो? नहीं। ये अवतार जीते जागते होते हैं संपूर्ण शास्त्र,
जो लिखा जाता है वो अंश मात्र भी नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी स्वयं में होता है ना, हर फील्ड में कंप्लीट, हर फील्ड में, ज्ञान के फील्ड में तो क्या, प्रेम के फील्ड में तो क्या। हम देखते थे भगवान अगर सत्संग में बैठ जाएं, उनसे अच्छा ज्ञान कोई नहीं बोल सकता। कभी प्रेम में आ जाते थे, जिनको नाचने नहीं आता था ना, नाचना भी सिखा दिया, इतना प्रेम करना जानते थे। किचन में आ जाएं तो उन जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं था। व्यवहार मर्यादा सिखाएं किसी को तो उन जैसी कोई सिखा नहीं सकता था। और किसी को माया रहत करने पे आ जाएं, वो चाबुक मार मार के अगले की माया छुड़ा के रहते थे। कोई शास्त्र इतना कंप्लीट है ही नहीं, जितने मर्जी सेक्शन बना लो शास्त्र के, क्योंकि शास्त्र समझेगा ही कोई नहीं, लोग पागल हो जाएंगे। क्या कहता है ये, एक दिन कुछ है, अभी रोज रोज कोई ना आए सत्संग, कभी कभी आने वाले वैसे ही उलझे रहते हैं, समझ नहीं आता इन लोगों का सत्संग क्या है, कहां से समझ आएगा। रोज आके बैठो, शिष्य गया ना गुरु के पास ज्ञान लेने, देखा गुरु जी बैठे थे, ऐसे वाणी चल रही थी, अच्छा लगा उसको, सत्संग हो रहा था। थोड़े दिन बाद गया, देखा तो वहां खाना पीना नाच गाना सब ये भी चल रहा था। और थोड़े दिन बाद गया, गुरु जी अकेले बैठे थे, बोला तुम्हारे यहाँ चक्कर क्या है। बोला कुछ नहीं, नए बच्चे आए थे, जरा दिल लगाया, खाना पीना खिलाया, नाच गाना किया, बैठ गए, फिर ज्ञान सुना डाला। उसके बाद बोला, उसके बाद गए हैं निष्काम पे सारे, मैं खाली हो बैठा, कौन समझे ज्ञानी को। अगर हम एक मीटर रख देंगे, लक्षणा रख देंगे, संभव नहीं होगा। और इसी तरह आपको अपने को भी किसी लक्षण से बांधना नहीं है, क्योंकि पोजिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप दो बातें दिमाग में बिठा लोगे ना, फिर आपका हर टाइम मन करेगा मैं ऐसा शो करूं, प्रिटेंड करने लगे तो असल ज्ञान से गए। आपको भी केवल निश्चय की बात करनी है, लक्षण तो अपने आप आएंगे, लक्षण का ख्याल भी नहीं करना है, निश्चय का ख्याल करना है। निश्चय में टिको, निश्चय की बात करो, लक्षण तो अपने आप जाहिर हो ही जाएंगे। आप कपड़े को धोने की बात करो, सफेद तो अपने आप है वो, क्योंकि यही सफेद, काला थोड़ी है सफेद करना है आपने। कपड़ा सफेद है, आपने खाली मैल धोनी है रगड़ के, बस आप उतनी बात करो। कभी किसी बात के उन चक्रों में मत पड़ो, लंबाई चौड़ाई गहराई तैरना सीखो। बताया ना नाविक को रोज इंजीनियर बोलता था, पता है कितनी गहरी कितनी चौड़ाई नदी की, कितनी लंबी नदी। जिस दिन आया तूफान, वो बोलता है तैरना आता है, कहता है नहीं। बोला मैं तो तैर के पार जा रहा हूं, तो लंबाई चौड़ाई गहराई नाप ले अब सारी, इसमें भी उलझने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये लिखा उसमें। अब अगर गीता में लक्षण और लिखे हैं ज्ञानी भक्त के, तो अष्टावक्र जीवन मुक्त की 100 बातें और करता है, 100 श्लोक है पूरा, 18वां प्रकरण वो 100 श्लोक कहता है। योग वशिष्ठ भूमिकाएं बता रही है। आप ग्रामर में ही उलझे रहोगे या निश्चय में आओगे, सोचो। ये ज्ञान की ग्रामर शुरू में बुद्धि को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी होती है, उसके बाद इससे भी चढ़ जाना चाहिए, वहां नहीं रुकना चाहिए। जब ग्रामर सिखाते हैं स्कूल में हमें, उसके बाद हमें सेंटेंस बनाने सिखाते हैं, ग्रामर बस यूज होती है बीच बीच में, हमारा ध्यान तो मेन लिटरेचर पे होता है। यहां भी मेन निश्चय पे ध्यान हो, ग्रामर पे नहीं। वो तो जिसने जिस तरीके से अनुभव किया उसने वैसा लिख दिया। अगर अभी हम सारे भी ज्ञानी भक्त के लक्षण समझो, पेपर बांट दूं मैं अभी, सारे बैठ के लिखो क्या महसूस करते हो, ज्ञानी भक्त कैसा होता है। कोई अपने जीवन के अनुभव से लिखेगा, कोई गुरु को पढ़ के लिखेगा, और सबके फर्क होंगे, लेकिन सबके ठीक होंगे, ठीक भी सबके होंगे लेकिन अलग भी होंगे। लेकिन जब बुनियादी बात देखोगे वो सबकी एक मिलेगी, क्योंकि बेसिक ज्ञान तो एक है। इसीलिए ग्रामर से मन नहीं लगाना है, निश्चय से मन लगाना है। निश्चय दियां जोतां जगियां ने, जो जली है कौन सी, निश्चय की जोत जली है।
ज्ञान का प्रकाश और भक्ति की सरसता। राधा कृष्ण की जोड़ी कैसे रल गई, भजन आता है ना, एक एक गोपी ते मोहन सारे आंधी जोड़ी रल गई। कैसे रल गई, निश्चय स्वरूप भगवान खड़े ही हैं हरदम पास, और गोपियां हैं भक्ति स्वरूपा प्रेम स्वरूपा। तो जोड़ी कब सफल हुई, जब ज्ञान और भक्ति मिल गए, जब मेरा निश्चय और मेरी कृतज्ञता ये मिले रहे। क्योंकि भक्ति माना प्रेम कृतज्ञता, जब ज्ञान का अभिमान जाग जाएगा कृतज्ञता चली जाती है प्रेम चला जाता है, वो स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए जीवन में। तो ज्ञानी भक्त हो गया, अब लक्षण जिसको तौलने हैं तौलता रहे, कैसा होता है कैसा नहीं होता है हमको इतना पता है, गुरु ने भीतर निश्चय रूप में भी बैठा है प्रेम रूप में भी बैठा है। ज्ञान और प्रेम का सुंदर संगम, यही ज्ञानी भक्त की जीवन है, सुंदर संगम है ये। घर में देखो स्त्री पुरुष दो होते हैं, तो बच्चों को बाहर का ज्ञान व्यवहार का ज्ञान, फिर बाहर हालतों से लड़ना फेस करना हर चीज को बैलेंस करना, ये बाप से मिलता है, माँ से सुशील होने की प्रेरणा मिलती है, सुघड़ होने की प्रेरणा मिलती है, एडजस्ट करने की प्रेरणा मिलती है, झुकना सीखते हैं मिटना सीखते हैं। स्त्री पुरुष दो मिले ना, नहीं तो भगवान चाहता तो पुरुष पुरुष की जोड़ी बना देता, स्त्री स्त्री की बना देता, बड़ी समझ के बनाया ग्रस्त भी। एक ज्ञान का प्रतीक है एक प्यार का प्रतीक है। पिता से जो ज्ञान मिलता है बाहरी वो मां नहीं दे पाती, और जो मां से मिलता है प्रेम झुकना नम्रता ये सब चीजें वो बाप नहीं दे पाता। तो बच्चा जब माता पिता दोनों के संरक्षण में रहता है तो उसके जीवन में दोनों बातें डेवलप हो जाती हैं, होता है ना ऐसा, यहां भी यही है। गुरु भी दो रूप से पालना करता है हमारी, अनुभव करो। सत्संग में बैठेगा तो जैसे तुम्हें पहचानता ही नहीं, खूब निश्चय की बात और खूब संटियां और एक गलती पे भी धुलाई, ज्ञान सिखा के रहता है समझा के रहता है जीवन में उतार के रहता है निश्चय करा के रहता है, पालना करता है ज्ञान से। फिर प्रेम इतना देता है हमारे हृदय को सरस बनाता है, अहंकार नहीं जागने देता उस ज्ञान का। तो गुरु भी दोनों तरह से पालना करता है, ज्ञान से भी भक्ति से भी, दो रूप धारण करता है हमारे लिए। ज्ञान वाला रूप भी धारण करता है, प्रेम वाला रूप भी धारण करता है। कभी कभी ज्ञान वाले रूप से डर भी लगता है, किस दिन भगवान बड़े जोश में आ जाते थे तो डर लगता था, रूम में जाओ जब हंस रहे होते थे फिर नॉर्मल लगते थे अच्छा लगता था, हमें भगवान डर लगता है आज तो आपने बड़ा जोश किया। क्योंकि अभी बाद में तो आप लोगों ने काफी कम देखा, शुरू में हम लोग गए तो बहुत जोश करते थे, छोटी सी बात पे भी इतना जोश, कभी सत्संग में घर में तो बहुत ही कर देते थे, तो उस समय डर भी लगता था उनसे तो भय होता था, पर भय बिन प्रीत ना होए, भय भी अच्छा था उनका, भय के बिना प्रीत नहीं हो पाती है, गुरु को भय भी देना पड़ता है कभी कभी। तो ज्ञान का रूप देखो तो लगता था जैसे डराने वाला, और प्रेम का रूप देखो तो ऐसे लगता था भय तो इनके पास से छूके भी नहीं जाता। लेकिन दोनों चीजों का समन्वय करते हुए, बच्चा होता है गलती करता है बाप पिटाई कर देता है, फिर माँ प्यार करती है चीज दिलवाती है, फिर उसके बाप को भी बोलती है अच्छा चलो अब इसको प्यार करो आगे से ऐसा नहीं करेगा, दोनों मिलके। होशियार दुकानदार होते हैं दो भाई होते हैं, क्या करते हैं एक अड़ जाता है नहीं जी नहीं इससे कम में सौदा होगा ही नहीं, फिर दूसरा भाई थोड़ी नम्रता करता है भैया देख लो थोड़ा कम कर दो, काफी रेगुलर कस्टमर हैं, या कहीं पैसा लेना हो दो भाई पहुंच जाएं सलाह करके, तू तेज हो जाइयो मैं आराम से बात करूंगा, एक तेज हो जाता है मारपिटाई पे आ जाता है लड़ने झगड़ने पे, दूसरा फिर नहीं नहीं ऐसे नहीं करो ना प्यार से बात करो, प्यार से पहले की प्लानिंग है दोनों की, लेकिन पैसा निकलवाने की ट्रिक है। गुरु की भी ट्रिक है हमारे अंदर का सत्स्वरूप प्रकट करने की, क्यों सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा स्वरूप कैसा है
सत्य तो है ही है, अनादि सत्य है, आज जुगात से सत्य है, पर वो शिवम भी है और सुंदरम भी है। शिवम कैसे है? शिवोम का निश्चय भी है। सुंदर प्रेमी सुंदर बना सकता है, किसी भी चीज को प्रेमी तो सुंदर बनाता है, और प्रियतम को भी प्रेम सुंदर बनाता है, वरना तो कोई सुंदर बना ही नहीं सकता। पूरी ये जो प्रकृति है ना हमारे आसपास, प्रेम सृष्टि को सुंदर करता है, प्रेम सृष्टि में रंग भरता है, प्रेम आकर्षित करता है, ऐसा ही होता है ना। तो गुरु की भी ट्रिक है हमारे सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को प्रकट करने की। है तो सत स्वरूप, वो भी जानता है, लेकिन इसका शिवम रूप भी प्रकट होना चाहिए, सुंदरम रूप भी प्रकट होना चाहिए, शिव भी हो सुंदर भी हो, मजा तो तब है। शिव वैरागी, शिव अपनी ऐंठ में चलने वाले, वो तो अपनी शादी भी करने जाते हैं तो अपनी तरह की बारात है, ना कपड़े बदले ना कुछ किया, वही जटाएं वही बागंबर, बैल पे भी उल्टे बैठ के। लोगों ने बोला उल्टे बैठ के क्यों चलते हो, घोड़ी पे दूल्हा उधर मुंह करके बैठता है, मैं सारे मेरे लिए आए हैं और मैं उधर मुंह कर लूं, इनको पीठ दे दूं, उल्टे बैठे बैल पे उल्टे चढ़ बैठे, वो तो ऐसे हैं। वहां जाते हैं तो रोने लगी उसकी माँ, पार्वती दे बुए अग्गे शिवा ने नाद बजाया, गौरांदा वेखो लाड़ा चढ़ बैल ते आया, बाटे ते बाटा भंगदा चढ़ावे, अरे आप भांग क्यों पी रहे हो, हमको किसी की मस्ती नहीं है, हम तो अपने नशे में चूर रहते हैं, आ गए शादी करने पर आनंद मेरा अपना, बाटे ते बाटा भंगदा चढ़ावे, कोई समझा ही नहीं उनको। त्रिशूल लेके जा रहे हैं शादी करने, अरे त्रिशूल क्यों ले जाते हो, तीन ता परता हूं, ऐसा वैरागी दूल्हा देखा कहीं? पेट बजाने लगे अपना, अरे ये क्या कर रहे हो, डमरू बजा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, कह रहे हैं क्या भरोसा दूसरा जो म्यूजिक बजाएगा पसंद आएगा कि नहीं, अपना डमरू बजाऊंगा अपना पेट बजाऊंगा अपना म्यूजिक, ऐसा दूल्हा कहीं नहीं देखा। पर ये शिव सुंदर कैसे हैं, इनका निश्चय तो सुंदर है ही है, पर जो इनके अंदर राम भक्ति है वो इनको सुंदर भी बनाती है। पार्वती संग खड़ी हैं, वो शक्ति की प्रतीक हैं, प्रेम की प्रतीक हैं, भक्ति की प्रतीक हैं। आप ये देखो पार्वती कभी उनकी बाधा नहीं बनी ना राम भक्ति में, क्योंकि पार्वती खुद ही भक्ति है। अगर पार्वती अलग होती तो उसको जेलिसी होती, सारा दिन राम के ध्यान में रहते हो, लेकिन वो खुद ही भक्ति स्वरूपा है। तो शिव सुंदर किससे हैं, भक्ति से सुंदर है। हमारा ज्ञान किससे सुंदर है, हमारी भक्ति से, प्रेम से, गुरु के प्रति जो भाव है हमारे अंदर उससे सुंदर है हमारा ज्ञान, वरना ज्ञान सुंदर थोड़ी है, अकेला शुष्क है, रूखा रूखा है ज्ञान। और जब भगवान शिव को पार्वती को अपनाना था, मां बेहोश हो गई पार्वती की, नारद को गालियां देने लगी, नारद मुनि ने बन के विचोला, डाडा जुल्म कमाया, अरे तू जुल्मी निकला रिश्ता लेके आया, ऐसा दूल्हा था तो ले ही क्यों आया, बड़ी गालियां दी। सब देवताओं ने मिलके प्रार्थना की, शिवजी थोड़ा स्वरूप बदल लो थोड़ी देर के लिए। अब सबने अपना अपना, किसी ने पीताम्बर दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, शिवजी ने रूप बदल लिया। यानी ज्ञान भक्ति के लिए ज्ञान भी थोड़ा शांत हो जाता है। जब भक्ति की बात आ जाए, प्रेम की बात आ जाए, तो ऐसे ज्ञान में बड़ी ऐंठन है, अखड़ है, ज्ञानी किसी की परवाह नहीं करता। पर जब प्रेम को अपना लेता है ना, तो ज्ञानी भी थोड़ा अपने स्वरूप से नीचे आ जाता है प्रेम करने के लिए। ऐसे तो कृष्ण कृष्ण ने विराट रूप धारी हैं, कोई बात ही नहीं, विश्वरूप दर्शन करो उनके भीतर तो। लेकिन फिर भी जब प्रेम की बात आ गई, प्रेमियों को अपनाने की बात आ गई, तो कृष्ण ने अपना विराट रूप छोड़ दिया। जो अर्जुन को दिखाया वो थोड़ी गोपियों को दिखाया, साधारण हो गए वहां पर। भले ज्ञान अंदर है, निश्चय अंदर है, लेकिन स्वरूप प्रेम के खातिर बदल लिया, शिवजी ने पार्वती के खातिर बदल लिया। तो प्रेम के खातिर फिर ज्ञान की शुष्कता चली जाती है, इसीलिए दोनों का समन्वय रहता है जीवन में। तो अब जब अपने अनुभव से देखते हैं तो
तो समझ में आता है कि ज्ञानी भक्त की लक्षणा तो शास्त्रों में बड़ी छोटी सी है। असल तो जो गुरु के जीवन में अनुभव की, जो अपने जीवन में अनुभव की, वो तो बातें ही बड़ी फर्क हैं, बहुत डिफरेंट हैं बातें सारी की सारी। ये तो एक वरदान है, जब ज्ञान के साथ भक्ति हो जाए ये वरदान है। साकार भगवान मिले, वरदान दे देता है प्रेम का, भक्ति का, निश्चय तो बिठा के करा देता है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति का वरदान, प्रेम का वरदान, उससे हमारा कल्याण हो जाता है। मेन चीज तो ये है ना, क्योंकि पूरी सृष्टि में भगवान की कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई भगवान ने जो अकेली अपने आप में हो, सबके साथ कुछ ना कुछ जोड़ दिया रस डालने के लिए। आप सब्जी में प्याज डालते हो, रस आ जाता है, ऐसे कोरी सब्जी बनाओ उतना मजा नहीं आएगा। आलू ऐसे सूखे बना लो और एक प्याज डाल के, टमाटर डाल के बनाते हो मसाले वाले, टेस्टी लगते हैं। भगवान ने सबके साथ कर दिया ऐसे, ज्ञान के साथ भक्ति कर दी, रसदार हो गया ज्ञान। अब कोरा ज्ञान अगर हम लोग अष्टावक्र जैसा सुनते, सोचो कितने दिन सुन लोगे। अष्टावक्र पढ़ी थी एक बार, ऐसे सब रूखे रूखे हो गए, सब बोले नहीं मजा नहीं आ रहा, आप शाम को थोड़ा दूसरा सत्संग करो। औखे हो गए सुन सुन के, भारी हो गए सुन सुन के, कितने दिन सुनते। उस दिन कोई बोल रहा है बस अष्टावक्र मुनि ने इतना सा सुनाया, मैंने कहा बस इतना ही बोला जा सकता है, इतना ही सुना जा सकता है, कोरा ज्ञान तो इतना ही चलेगा। बोलते बोलते भी सुरती चढ़ जाएगी अगले की, अशब्दी में आ जाएगा, सुनने वाला भी बेचारा कितना सुन लेगा। अगर कोरा ज्ञान हम लोग बोल रहे होते, सुन रहे होते, हम गुरु के पास कितना टिके होते, भाग लिए होते, अब तक तो काम खत्म हो गया होता। पर कौन बिठाए बैठा है, प्रेम। तभी अभी मैंने पूछा फिर आ गए, प्रेम कौन ले आया, दिल क्यों नहीं लग रहा। ज्ञान सुनने के लिए दिल उदास था, मिलने के लिए दिल उदास था। ज्ञान तो बहुत सारा रखा है घर में, ज्ञान तो रोज बोलते भी हैं, सत्संग भी करते हैं, आए किस लिए, मिलने आए ना, प्रेम के लिए आए ना। ज्ञान ने तो थका दिया होता अब तक, पुरुषार्थहीन ज्ञानी तो अजगर की तरह एक जगह चेष्टा रहत बैठा रहता है, और सारे अजगर बने पड़े होते अपने अपने घर में। लेकिन प्रेम ने पैरों में पहिए लगा दिए, प्रेम ने पैरों में झांझर पहना दिए। खाली रेणु भगवान के पैरों में थोड़ी है, सबके पैरों में, सब नाचो, सब झूमो, सब चलो। घरवाले भी बोलते होंगे, रोज जाते हो, खाक छानने जाते हो, धूल उड़ाते हो, तुम्हें क्या पता हम क्या करने जाते हैं। घर विच मेरा जी नहीं लगदा, बज बज दरते आया, हुण साड़ी लग गई है शाम सुंदर नलियारी, तो सां भी ला वेखो लगदी बड़ी प्यारी। अब उसमें क्या बोला, जदों दी इस नाल यारी लाई, क्या हुआ, क्या किया, खाण दा ढंग भुलाया, तवे उत्ते मेरी रोटी सड़ गई, सब्जी लूण ना पाया, जगत भूलने लगा, आचरण संवरने लगा। अब नीले छोड़े पीले छोड़े, चिट्टा चोला पाया या भगवी चोला, जो भी गा लेते हो, मतलब क्या हुआ, वैरायटीज से, नॉवल्टी से, मतलब शौक खत्म होने लगे, सिमटने लगे। इस प्रेम ने ही तो ज्ञान वैराग सब सिखा दिया। कौन सा लक्षण है जो इस प्रेम में जीवन में ना भी आ जाता। गहराई की बात करें तो इस प्रेम जितना गहरा कोई नहीं। प्रियतम की बात को समझने के लिए मथन मंथन करते, मनन करते, मंथन करते, चलते चलते अपने आप गहराइयों में डूब जाते हैं। कोई शब्द तो उनका ऐसा नहीं जो उथला लगता, प्यारा ना भी लगता, इतना प्यारा लगता है, एक बात कह दी वो कानों में गूंजे जा रही है, गूंजे, अपने आप ही गहराई में जाएगी मनन करते करते। और माया की बातें वो करते नहीं हमसे, बात फिर कहीं ना कहीं इशारा ज्ञान वाला, अपने आप ज्ञान भी उतरता है, भक्ति भी उतरती है, जीवन बहुत अच्छी होती चली जाती है। ज्ञान उन जैसा कोई सुना नहीं सकता, प्रेम उन जैसा कोई कर नहीं सकता, ये भी पक्की बात है। आज कितने लोग हमको प्यार करने आ जाएं, पर उन जैसा प्यार थोड़ी कोई कर लेगा,
कर लो, चाहे तुम जान वार दो पूरी हमारे ऊपर, तो भी उनके प्यार की कदर तो अलग ही रहेगी, महसूस ही नहीं होता उन जैसा कोई कर पाता हो, कोई उनकी जगह ले पाए, सवाल ही नहीं। प्यार जो उन्होंने किया वो उन्होंने ही किया, और ज्ञान भी जिसका मर्जी सुन लो हमको तो छोटा ही लगता है। जो उनके मुख से बातें निकलती थी, जो उनकी कैसेट सुनो, जो दिल लग जाता है, ना उन जैसा कोई ज्ञान दे सकता है, ना उन जैसा कोई प्यार कर सकता। हमारे लिए तो ज्ञानी भी वही सबसे बड़े, भक्ति का मिसाल भी वही सबसे बड़े। देखना है ज्ञानी भक्त का जीवन, गुरु को पढ़े जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पचासों गीता बन जाएंगी, ज्ञानी भक्त के लक्षण खत्म नहीं होने वाले, इतने लक्षण हैं। कितनी कहानियां लिखोगे प्यार की, और उनके हर प्यार में एक ज्ञान का संदेश छिपा, और उनके हर ज्ञान के पीछे उनका प्यार छिपा, ये और मजा था। अगर कोई प्यार की बात करते भी थे, पीछे ज्ञान का इशारा जरूर होता था, और अगर कभी कोई ज्ञान की बात करते थे, समझ आता था इनका इतना प्यार है तभी तो हमें संवारना चाहते हैं, उनकी मार में भी प्यार समझ आता था। ज्ञान में प्यार था, प्यार में ज्ञान था, दोनों बातें रची बसी हुई थी। खीर बनाते हो दूध में चावल, चावल में दूध, बोलो क्या कहें, दूध में चावल, चावल में दूध, दोनों का ही गुजारा नहीं। दूध ना डालो तो चावल क्या करें, चावल ना डालो तो दूध क्या करे, खीर तो तब कहलाई जब संगम हो गया दोनों का, दूध और चावल का। ऐसे ही गुरु के पास आके ज्ञान भक्ति दोनों का समन्वय, और उसके बाद तो फिर बच्चा नहीं होता। जब छोटे थे ना, आजकल तो रिवाज कम है, झूले दूसरे आ गए हैं, पेड़ों पे रस्सियां नहीं डालते थे, पिंग डालते थे ना, फिर वो लकड़ी की पटरी होती थी कट वाली दोनों साइड, वो ऐसे बीच में फिक्स कर लेते थे, बैठ गए। अब अगर कोई छोटा बच्चा होता था तो उसको क्या करते थे, गोदी ले लेते थे, अपनी तरफ ऐसे बिठाया तो मेरे को चिपक जा या रस्सी पकड़ ले, फिर उसकी पींग हम चढ़ाते थे ऊंची ऊंची। जीवन में देखा यही, एक बार गुरु को समर्पण किया, उन्होंने अपनी पींग चढ़ा लिया, उसके बाद तो ज्ञान भक्ति सब झूले उन्होंने झुलाई, हमने कुछ नहीं किया उसके बाद। ये उनकी महिमा थी, उनका प्रेम था, जिसने जीवन में हर तरह का परिवर्तन घटाया, हर तरह से जागृति दी, हर तरह से ऊंचा उठाया। कृष्ण की पहचान बांसुरी, बांसुरी की पहचान कृष्ण से, बांसुरी अकेली पड़ी रहती तो कौन जानता, जान दासी कौन, मैनु पुछ दासी कौन, मेरा दुनिया च रुतबा बनाया शाम नाम ने। बांसुरी का रुतबा कैसे बना, कृष्ण से बना, पर कृष्ण की पहचान वो बांसुरी वाला, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना। बांसुरी को भगवान प्राण ना फूके तो बांसुरी ना बजे, पर बांसुरी ना वो भगवान फूके मारता रहे तो गोपियां कहती क्या कर रहे, फूक मारता रहता है सारा दिन, अजीब लगता है ना, वो सारा दिन ऐसे फूक मारता फिर रहा है तो कृष्ण किस काम का होता। पर जब बांसुरी आ गई तो उसके जो अधरामृत था, प्राणमृत था, उसको स्वर मिल गया। तो शाम सुने ना लगंदा सखियों बिना, सखियों सुने ना लगंदियां शाम बिना। अब अगर दूसरे सेंस में देखो, फिर ये भक्त और भगवान, कभी ज्ञान कभी प्रेम, वो उनकी लीला चलती रहती है, पूरक हो गए एक दूसरे के। अब ज्ञान प्रेम का पूरक, प्रेम ज्ञान का पूरक, जीवन में ये भी अनुभव किया, गुरु प्यार ना करता ज्ञान ना अच्छा लगता, पर ज्ञान ना होता उनके पास तो मैं अट्रैक्ट होके गए क्यों, पहले तो सत्संग देखने ही गए थे, वे सत्संग करते हैं, ज्ञान से गुरु की पहचान हुई, फिर गुरु से जो प्यार मिला उससे उनके ज्ञान की समझ आ गई, तो पूरक तो हो गए ना एक दूसरे के। तो ज्ञानी भी वही है, भक्त भी वही है। अब भगवान कृष्ण है, वैसे ज्ञान स्वरूप है, वैसे पुरुषोत्तम है, और राधा के महल में भक्त बन जाते हैं, राधा के पैर दबा रहे हैं, राधा की सेवा कर रहे हैं,
कभी मनिहारिन बन जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी फूल बेचने चले गए, शाम राधा दे द्वारे उत्ते फूल वेचदा नहीं हो मूल वेचदा, कभी फूल बेचने गए, कभी मनिहारिन बन के चूड़ियां देने गए, कभी अंतःपुर में जाना था दासी बन के चले गए, स्त्री रूप में चले गए। तो ज्ञानी भी वही और भक्त भी वही, क्यों? भगवान अपने भक्त की सेवा भी करता है, इसीलिए वो भक्त भी बन जाता है कभी कभी। ज्ञान तो देता ही देता है, पर अपने दासों का भी दास बन के कभी कभी सेवा भी करता है, ऐसा भी प्रेम करता है। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता था, कुछ होता था, तो भगवान हम देखते थे बेड के पास जाके प्यार से ऐसे सिर सहलाने खड़े हो जाते थे, अरे आप नहीं करिए, अरे मन तो होता था करें और ऊपर से नहीं नहीं आप नहीं करिए, मर्यादा कहती थी ना, प्रेम कहता था हाँ। देखी ना ये चीजें, तो ज्ञानी के रूप में तो बहुत बड़े भगवान हैं, पर भक्त की भी भक्ति करें बनवारी। कभी कभी अपने भक्त की भक्ति करते थे, थोड़ा दुख सुख हो जाए, बीमारी हो जाए, फोन करते थे, ठीक नहीं हो, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, इस डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, कितनी बातें। भक्त की भी भक्ति करें बनवारी, तो बनवारी में कौन सा रूप नहीं देखा, सारे रूप देखे अपने बनवारी के रूप में। और बनवारी के इतने सुंदर रूप ना होते तो मेरा जीवन वारी भी ना होता उसके ऊपर, ये भी सच्चाई है। तो लक्षण बाहर क्या देखें, शास्त्रों में क्या देखें, वैसे भी देखते हो आजकल बच्चों को टीवी से सिखाते हैं, चीजों से सिखाते हैं, भाई शब्दों से अधिक, किताबों से अधिक देख के इंसान सीखता है। तो जो सीखना हो गुरु के जीवन से सीखो, हम लोग तो यही समझे आज तक, चाहे गीता पढ़ी, चाहे अष्टावक्र गीता पढ़ी, भगवान कहते तुम इतनी अच्छी गीता पढ़ रहे हो, बोलते थे आप इतने अच्छे हो, मतलब आप सामने आ जाते हो, जो श्लोक पढ़ो, जीवन आपकी रखो, आगे जितना मर्जी विस्तार करते जाओ, आप इतने अच्छे हो तो इतनी अच्छी गीता है क्योंकि आप अच्छे हो। अर्जुन ने कृष्ण से गीता सुनी, हमने कृष्ण के जीवन में गीता देखी, ये पढ़ी बाद में, इतनी इजीली समझ आई, इतनी इजीली समझ आई क्योंकि कृष्ण का जीवन देख चुके थे, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं, दिक्कत ही नहीं आई। अर्जुन को आई होगी दिक्कत, जीवन तो देखा नहीं कृष्ण का, कोरी थ्योरी सुनी, हम लोग तो प्रैक्टिकल देख चुके थे, कंफर्टेबल हो गया बहुत। बड़ा मजेदार है हर ग्रंथ जब उसको भगवान के जीवन में पढ़ो जाके। गुरुवाणी इतनी अच्छी क्यों लगती है, अभी हम गाते हैं शब्द, इतने आपको मजा क्यों आता है, तुम शरण आई आया, अनबोलत मेरी व्यर्था जानी, आपको अनुभव है ये बातें, अपना नाम जपाया, वहां पकड़ कड़ लीने आपने, गए अंधकूप ते माया, इतना अंधा कुआं माया का कोई निकाल ही नहीं सकता था, वहां पकड़ कड़ लीने आपने। भजन कम गाते हैं, गुरु सामने ज्यादा आता है, अनुभव ज्यादा सामने आता है, कौन नानक जी में वर घर पाया, नहीं पाया हमने, वर भी पाया घर भी पाया, वरा किसको, अपने स्वरूप को वरा, अपने भगवान को वरा, घर कौन सा पाया, निज घर, आत्मा का घर, आनंद का घर, सब पाए बैठे, मजा क्यों आता है गाने में, आनंद साहब गाने में मजा क्यों आता है, आनंद भया मेरी माए से पहली लाइन ही इतनी प्यारी है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज से ती मन वजिया वाधाइया, क्यों मजा आ रहा है, सारा प्रैक्टिकल हो चुका, अब तो थ्योरी की बात है सिर्फ, सारी बात तो प्रैक्टिकली हो चुकी, देख चुके, अनुभव कर चुके, हर बात का विचार कर चुके। हम लोग कहीं जाते थे ना भगवान के साथ, हमेशा याद आता था गुरु नानक देव के साथ बाला मर्दाना, चलो अब हम थोड़ा बड़े ग्रुप में चलते हैं, पर कहीं भी गई ये फीलिंग हमेशा रहती थी कि भगवान ऐसे ही हमको घुमा रहे हैं जैसे बाला मर्दाना को घुमाया था, जैसे गुरु नानक देव जी उनको लेके चले,
जैसे राम जी सीता को ले चले, लक्ष्मण को ले चले, भगवान हम सबको लेके चल रहे हैं। सारे शास्त्र पूरे हो गए, सारी लक्षणाएं पूरी हो गई, यहां तक के कुछ जानना शेष नहीं रहा, जानने योग्य भी नहीं रहा कुछ, सुने अनसुने से ऊपर हो गए भगवान को देख के। कुछ जानना भी बाकी नहीं, सुनना भी बाकी नहीं, सुना हुआ भी छूट गया, सुनने योग भी ना रहा, ऐसा प्रीतम पाया। कौ नानक जी में वर घर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। अगर बाहर से वर देखो, सच्चा वर सच्चा घर सतगुरु के रूप में, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सारी जिज्ञासाएं खत्म, सारी शंकाएं खत्म, पा लिया जो था के पाना। ठीक।